आजकल लोगों को क्या करना चाहिए, अपना कारोबार करना चाहिए या अगर कहीं लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वो बेहतर है? बिजनेस बिरयानी का स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो कम से कम मैं कितने पैसों से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ? रेडी वगैरह लगा रहे हैं, उनकी आमदनी क्या होगी, वो दिन में कितने किलो लगा सकते हैं कि उनकी आमदनी अच्छी थोड़ी सी हो जाए, वो घर बार चला सके? 5 किलो जो लगाए तो उसको कितनी बचत हो जाएगी, इसका थोड़ा मैं खुलासा कर दे इस बात को। अगर हम ये दुकान वगैरह का सेटअप करें, बड़े पैमाने पे चले जाते हैं रेडी सेट कर, तो उसका क्या सेटअप होगा? जो घर में बैठ कर चाह रही है कि हम बिरयानी सेल करें घर में बैठ कर, वो अगर घर से बेचना चाहे इस चीज को, तो उनको जरा आइडियाज दें वो कैसे बेचे। बिरयानी का सेटअप खोलना चाह रहे लेकिन उनके दिल में डर है कि यार कहीं पैसे ये भी ना डूब जाए, मैंने आप उल्टा कमाने के बजाय नीचे आगे नुकसान में पड़ गया, ऐसा कभी होता है? जो बिरयानी का सेटअप है कौन से मतलब मौसम में ज्यादा चलता है, सर्दी में या गर्मी में? फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई इस वक्त हम मौजूद हैं मामू बिरयानी पे, कराची का बहुत मशहूर बिरयानी है, लेकिन हम ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, स्पेशली हम इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई अगर कोई बिरयानी का काम स्टार्ट करना चाहे, बिरयानी का सेटअप स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे हो सकता है, जॉब करना जरूरी है या फिर जो है अपना कोई बंदा कारोबार करे, अपना बिजनेस करे, और ये किस तरह आजकल जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे तो ये जो कारोबार है बिरयानी का कारोबार है इसमें क्या मुनाफा है, काम अच्छा कैसे चल रहा है, ए टू जेड हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आइए हमारे साथ मौजूद है मामू बिरयानी के मैनेजर, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर आपका नाम? मिस्टर मेहदी। अच्छा मिस्टर मेहदी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं आजकल लोगों को क्या करना चाहिए, अपना कारोबार करना चाहिए या अगर कहीं लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वो बेहतर है, इस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। भाई पहली बात ये है कि अभी जो हालात मतलब ये चल रहे हैं तो इस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि जो है ना बंदा ये कारोबार मतलब करे तो वो फायदे में है, वो इसलिए कि अब देखो ना ये जॉब करता है तो उसको सिर्फ ये मंथ में एक दिन का इंतजार होगा कि भाई जो है ना इस दिन मुझे जो है अपना ये सैलरी मिलेगा, सही है। लेकिन अगर खुदा न खासा कोई बीच में प्रॉब्लम हो जाए या कोई मतलब ये मजबूरी आ जाए तो फिर उस टाइम जो है ये बंदा ये परेशानी में आ जाता है। तो ये जो ये कारोबार है ये वो चीज़ है कि मतलब ये रोज का पैसा है और इसमें जो है बंदा ये परेशान नहीं होगा कभी भी। अच्छा तो इसमें मेहदी भाई ने हमें बताया कि भाई जो कारोबार में और जॉब में क्या फर्क है, अगर आप अपना कारोबार करते हो तो आपके पास डेली का पैसा आता है, डेली का पैसा आता है जिसमें आपको कोई टेंशन वगैरह नहीं होती, आप डेली जो है अर्निंग आपकी चल रही होती हो, कमा रहे होते हो। और जो है जॉब अगर आप कहीं पर करते हो तो खुदा ना खास्ता अगर आपके पैसे जल्दी कहीं लग गए, अगर बीच में आप फंस जाते हो तो आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो चले मेहदी भाई ने हमें इस चीज को तो इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा तो मेहदी भाई हमें ये बताएं कि अगर ये मैं बिजनेस बिरयानी का स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो कम से कम मैं कितने पैसों से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ? भाई जो है ना ये कम से कम आप ये 15-20 हज़ार से भी जो है ना इसको स्टार्ट ये कर सकते हो, लेकिन क्या है अगर जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको जो है उतना ज्यादा आप जो है ये आगे जा सकते हैं। अच्छा तो भाई इसमें ये सेटअप है, ये भाई कह रहे कि मतलब 15-20 हज़ार से भी स्टार्ट हो सकता है जो लोग जिन लोगों के पास पैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 15-20 हज़ार वाला सेटअप है ये आप मतलब बाहर ठेले वगैरह का कहना चाह रहे हैं, सही है? हाँ जी जी, इस हिसाब से मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि चलो अगर किसी बंदे के पास लाखों रुपए नहीं है वो अपनी ये दुकान नहीं खोल सकता तो फिर जो है बंदा ये रेडी से भी स्टार्ट कर सकता है। अच्छा तो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर दी कि जो लोग जिनके पास लाखों का पैसा नहीं है उनको बिजनेस करना है, बिरयानी का बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट करना है तो वो एक रेडी वेडी लगा के भी चला सकते हैं। अच्छा मेहदी भाई ये बताएं कि जो लोग करेंगे क्योंकि जो बाहर रेडी वगैरह लगा रहे हैं उनकी आमदनी क्या होगी, वो दिन में कितने किलो लगा सकते हैं कि उनकी आमदनी अच्छी थोड़ी सी हो जाए वो घर बार चला सके? भाई ये होता है मतलब ये काम का हिसाब होता है और ये मार्केट का हिसाब होता है, मार्केट को मतलब जो है देखना पड़ता है कि मार्केट स्लो है या तेज है, तो फिर उसके हिसाब से जो है इसको ये 5 किलो या 10 किलो से मतलब जो है ना वो बंदा शुरुआत करे। अच्छा तो मेहदी भाई कह रहे हैं कि आप 5 किलो से लेकर 10 किलो तक स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा मेहदी भाई 5 किलो जो लगाए तो उसको कितनी बचत हो जाएगी, इसका थोड़ा मैं खुलासा कर दे इस बात को। 1000-1500 तो हो जाएगी, अभी देखो ना आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं कि जो बंदा मजदूरी मतलब कहीं ये करता है तो उसकी भी 700-800 मतलब उसकी जो है ना दिहाड़ी होती है, तो उसके हिसाब से फिर ये बंदा जो है किसी और का ये मोहताज भी होता है, तो जो अपनी मतलब चीज होगी तो जो है ना बंदा कभी ना किसी का मोहताज होगा और ना उसको जो है कभी ये परेशानी आएगी और उसमें इंशाल्लाह उसको ये फायदा भी होगा।
अच्छा ये तो हमने कर दी थी छोटे पैमाने पे बात ना, अगर हम ये दुकान वगैरह का सेटअप करें बड़े पैमाने पे चले जाते हैं रेडी सेट कर, तो उसका क्या सेटअप होगा भाई? उसका देखो ना, उसका यही होगा कि इस बिजनेस में जितना जो है ना बंदा ये ज्यादा पैसे लगाएगा तो उतना ज्यादा आगे जाएगा। तो ये जो है बंदा ये 5 लाख से भी स्टार्ट मतलब ये कर सकता है, फिर अपनी ये दुकान भी ये लगा सकता है और फिर उस हिसाब से वो माशाल्लाह ये जो है ना बहुत आगे जाएगा। अच्छा मेहदी भाई, आप कह रहे हैं कि 5 लाख से स्टार्ट कर सकता है, मतलब जिसके 5 लाख नहीं हो, 1-1.5 लाख है, वो बेचारा अगर लगाना चाहे तो उसके लिए आप क्या मशवरा देना चाह रहे हो? अगर चलो सही 1 लाख रुपए नहीं है तो फिर 1 लाख या हजारों से भी जो है ना बंदा ये स्टार्ट मतलब ये कर सकता है, भले फिर वो उस हिसाब से अगर ये ज्यादा चीजों में नहीं बढ़े, जो उसके मतलब ये जो है ना ये काम की चीजें हैं, तो बंदा जो है वो बस ये चलाए और जो है उसी से ये स्टार्ट करे। मतलब आप कह रहे हैं कि 1 लाख से भी स्टार्ट ये हो सकता है दुकान के थोड़ा सा बड़ा बिजनेस करके, ऐसा ही है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा और मेहदी भाई ये बताएं, जो हमारी बहनें हैं ठीक है, जो घर में बैठ कर चाह रही है कि हम बिरयानी सेल करें, घर में बैठ कर हाउस वाइफ हो गई या स्टूडेंट्स हो गए, मतलब जो हमारी बहनें हैं माँ बहनें हैं, वो अगर घर से बेचना चाहें इस चीज को, तो उनको जरा आइडियाज दें वो कैसे बेचे। वो आजकल देखो ना, आजकल ये नेट का ये दौर है, तो ये फूड पांडा भी है, उसके जरिए वो जो है मतलब ये बेच सकते हैं, और ये बाइकिया वगैरह भी है, और ये आजकल ये नेट का दौर है, अगर कोई जो है ना ये बंदा नेट पे जो है मतलब ये दे दे तो इंशाल्लाह उसका भी जो है काम ये जो है ना ये चल जाएगा। अच्छा मेहदी, आजकल लोग बहुत डरते हैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कि यार हम जो है ना पैसा लगाएं फिर हमारा मुनाफा ना हो, पैसा डूब जाए, तो उन लोगों के लिए जो अगर देखो बिरयानी का सेटअप खोलना चाह रहे लेकिन उनके दिल में डर है कि यार कहीं पैसे ये भी ना डूब जाए, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाह रही हो कि वो कैसे इनका उनका दिल बड़ा करे, क्या सेटअप है इस चीज का? भाई देखो ना, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें पहली बात ये है कि जो मतलब ये बंदा जो इंसान रिक्स नहीं उठाएगा जिंदगी में, वो कभी आगे मतलब ये बढ़ ही नहीं सकता। मेन चीज होती है रिक्स, जिंदगी में बंदा रिक्स उठाए इंशाल्लाह, फिर अगर उसने जो है दिल से हिम्मत की और उसने ये उस हिसाब से ये मेहनत की तो और उसने वो रिक्स ली, तो इंशाल्लाह वो जो है ये बहुत आगे जाएगा। अच्छा तो भाई मेहदी भाई ये कह रहे थे कि आपको रिस्क उठाना जरूरी है अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेस का स्टार्ट करना है तो देखो बिजनेस में। अच्छा मेहदी भाई, एक और भी चीज मुझे आपसे पूछनी थी, इसमें घाटे का सौदा होता है, नुकसान फायदा होता है कभी? या मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा भी हुआ कि यार किसी महीने आप उल्टा कमाने के बजाय नीचे आ गए, नुकसान में पड़ गए, ऐसा कभी होता है? नहीं, ऐसा कभी होता तो नहीं है, लेकिन हालात जो है ना अभी देखो ना, फिर उस हिसाब से अगर ये बंदे की दुकान अपनी है फिर उसको तो नहीं होगा, लेकिन अगर दुकान ये किराए पे, फिर उस ये जो है ना बंदे को ये दुकान का जो है ना ये किराया भी देना होता है और ये लाइट वगैरह का मतलब जो है ये बिल भी मतलब ये देना पड़ता है। लेकिन इसमें बिजनेस में क्या है कि बंदा कभी मतलब ये नीचे नहीं आएगा, अगर बढ़ेगा नहीं, अगर कितना भी स्लो होगा तो अगर ये बढ़ेगा नहीं तो वो जो है मतलब ये इंशाल्लाह वो ये करेगा भी नहीं। अच्छा तो भाई कह रहे थे कि देखिए यार ये बिजनेस अगर आप कर रहे हैं ना तो आपको रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि रिस्क के बगैर कोई चीज नहीं होती, दिल बड़ा करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, दिल छोटा होगा तो आप भी छोटे इंसान ही बनकर रह जाएंगे। तो ये इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कर दी है। अच्छा मेहदी भाई ये बताएं कि जो बिरयानी का सेटअप है कौन से मतलब मौसम में ज्यादा चलता है, सर्दी में या गर्मी में? भाई ये जो है ना ये इसमें ये गर्मी में जो है ना माशाल्लाह ये ज्यादा चलता है, सर्दी से ज्यादा। यार लेकिन सर्दियों में तो लोग ज्यादा खाना पीना करते हैं, वो किस हिसाब से मेहदी भाई? नहीं अब देखो ना, सर्दियों में जो है ना ये लोगों की मतलब ये तबीयत अब ये जो है ना किसको ये बुखार से एलर्जी है या ये किसी को खांसी से एलर्जी है तो जो है डॉक्टर सबसे पहले जो है ये चावल मना करता है, तो मेरे हिसाब से जो है ना ये सर्दी का होता है 1-2 महीना मतलब जिसमें जो है ना काम ये स्लो होता है, बाकी माशाल्लाह ये गर्मी में जो है ना माशाल्लाह ये जो है ना ये बिरयानी का काम बहुत ये रुझबर होता है। अच्छा भाई इनका मतलब था कि देखे यार हर इंसान मजबूत नहीं होता, इंसान के अंदर बीमारियां भी आ जाती है, तो इस वजह से सर्दियों में लोग सबसे पहले जो है ना बिरयानी को बंद करने की मशवरा देते हैं। तो अच्छा मेहदी भाई अब हमें ये बताएं, तो आप माशाल्लाह आपने बहुत सारा टाइम दिया हमें, हमें ये जरा बताएं कि आप यहाँ पर जो मैनेजर है ठीक है यहाँ पर काम करते हैं, इसके अलावा आपके अंदर क्या पैशन है? इसके अलावा भाई मैं जो है ना ये सिंगिंग वगैरह मतलब ये मेरा शौक है, मैं जो है ना ये सिंगिंग मतलब ये करता हूँ। अरे वाह भैया वाह, हमारे भाई तो माशाल्लाह टैलेंटेड निकले, सेलिब्रिटी निकले।
अच्छा तो हमें जरा फिर कुछ गुनगुना दे यार। हाँ जी जी बिल्कुल। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। वाह भाई वाह, क्या बात है यार, माशाल्लाह ये भाई फुल एंटरटेनर है, काम भी कर रहे हैं साथ में, इनका पेशेंट भी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज लगी, दिल से सिंगिंग की है भाई। हमारी दुआएं मेहदी भाई के साथ है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, अच्छे मंजिलों मकाम तक पहुंचे। अच्छा मेहदी भाई, आप लोगों को बोलो कि यार हमारे चैनल को भी ना सब्सक्राइब कर दे, हमें सपोर्ट करे। जी जी भाई, ये हमारा ये भाई है रिजवान साहब, तो आप जो है ना इस चैनल को ये सब्सक्राइब करो, इसमें इस चैनल में आपको हर जो है ना ये वीडियो मिलेगी, आपको ये बिजनेस के हिसाब से वीडियो मिलेगी, आपको जो है ना ये कारोबार के हिसाब से वीडियो मिलेगी, फनी वीडियो मिलेगी, लेकिन आप इस जो है ना चैनल को ये सब्सक्राइब ये जरूर करें, इंशाल्लाह आपको जो है बहुत ज्यादा ये मतलब ये जो है ना ये फायदा होगा। बहुत शुक्रिया। तो भाई ये वीडियो हमारी यहाँ पर एंड होती है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दे, और इसी तरह ताकि हमारे जो वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एंटरटेनिंग वीडियोस और क्रिकेट वीडियोस, सारी चीजें हम आपको एक चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जो है काफी सारी नॉलेज मिली होगी बिजनेस के हवाले से। अगर फिर भी आपके दिलो दिमाग में कोई सवाल है तो जो है मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। भाई मैं आपका नंबर दे सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में? हाँ जी जी भाई, आप मतलब बिल्कुल ये दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इनका मैं नंबर भी दे देता हूँ, अगर आप किसी भाई किसी बहन को कुछ सवाल जवाब पूछना है तो आप जरूर इनसे रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।